और दीदी मुझे साथ लेकर आ रहे हैं। सब कहते हैं दीदी को लेकर आई, पर हकीकत यह है कि दीदी साथ लेकर आए हैं। और जो आज दीदी ने विशेष बताया, चार चीजों का मंथन करना है कि हमारे पिता के संस्कार क्या है, ब्रह्मा माँ के, रामा माँ के संस्कार, और हमारी कुल के संस्कार, और चौथा है जो हमारी गौड़ी यूनिवर्सिटी है उसकी मर्यादा क्या है। तो उसी पर चिंतन करते हुए जब दीदी से हम स्वागत लेंगे, दृष्टि लेंगे, आप सब अभी यहाँ पर बैठ कर सुन रहे हैं, तो आपके मन में जो भी संकल्प आता है कि नई सृष्टि के रचना के लिए बाबा ने जो हमें निमित्त बनाना है, तो आप देखो भक्ति मार्ग में भी जितने भी देवी देवता हैं, सभी देवी देवताओं की एक क्वालिटी विशेष होती है ना? जैसे विद्या की देवी है तो सरस्वती है, धन है तो लक्ष्मी जी है, हर एक का एक क्वालिटी विशेष होता है। तो योग में आप ही सोचना आपका वो कौन सा विशेष गुण है जिसको देख करके बाबा को आपसे प्यार हो गया है, और वो गुण जब आप दीदी से दृष्टि लेने आए, वो गुण इमर्ज करके आना, दीदी की पावरफुल दृष्टि जैसे उसकी ब्लेसिंग बन जाएगी, और इतने सारे देवी देवता यहाँ पर रेडी हो जाएंगे, न बाबा जितनी मेहनत कर रहा है हम पर वो सफल हो जाए, और नई सृष्टि की स्थापना। दीदी कह रहे थे पुण्य आत्मा में पूना को दीदी पुण्य आत्मा कह रहे हैं, और कोल्हापुर है ना, तो यहाँ पे कोहिनूर बने तो वही ब्लेसिंग हम सब दीदी के पास आएंगे और सौगात और कुछ भी जरूरी है। मैं दीदी को देखती हूँ।